हाय, आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ केयर की। और ये सवाल मेरे बहुत दिनों से था मेरा दिमाग में कि यार इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं जिससे कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आप इसी वीडियो पे आए हैं तो बहुत लोग आपके पास अपने हेल्थ इंश्योरेंस होंगे, आप फ्यूचर में जो भी कोई बड़ी बीमारी आएगी हमारे पास सपोज़, तो उस चीज़ के लिए हमने पहले से तैयारी करके रखी है, वो अच्छी बात है। और मैं भी बहुत सपोर्ट है, मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं भी तैयार हूँ उन चीज़ों के लिए। और हेल्थ केयर में क्या होता है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ऐसा साइड में कर देते हैं। और जब हमारे लोगों से बात होती है, जब मेरी टीम लोगों से बात करती है, तो कभी कभार ऐसे भी आते हैं लोग, और मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनकी वो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, कि वो बोलते हैं कि सर अभी हेल्थ सही करना बहुत महंगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों ना इसके ऊपर एक माइंडसेट दिया जाए कि लोग कर गलती क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आपके कुछ अलग थॉट हो सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी थॉट को रिस्पेक्ट करूंगा, बट मेरी थॉट क्या है इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिससे कि आप कुछ समझ पाएं इन चीज़ों को। सबसे पहला जो डिफरेंस देख लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर में क्या डिफरेंस है। सबसे मेन तो हेल्थ केयर, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लोग बोलते हैं कि सर सस्ता है, ये बिल्कुल सस्ता है, कम पैसों में हमारी बहुत सारी रिस्क कवर हो जाती है, मैं भी मानता हूँ, इसीलिए मैंने भी किया है। और बोलते हैं कि सर हेल्थ केयर, जो आज हेल्थ अच्छी करना है हमें तो फिर हमारा बहुत खर्चा होता है, जैसे हर्बल लाइफ का ही कोई ले रहे हैं तो 5-7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है महीने का, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानते हैं कि महंगा है, ये सब बोलते हैं मुझे लोग। तो ये दो मेजर डिफरेंस अपन जान रहे हैं। दूसरा एक डिफरेंस है माइंडसेट का। अब सोचिए कि क्या माइंडसेट है, जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उसका माइंडसेट क्या है कि फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी आए हमारे पास उतना पैसा, मतलब हम कवर करके रखें कि इंश्योरेंस वाले जो कंपनी है वो उस बीमारी का हमें पैसा लौटाए। मतलब यहाँ पे हमारा माइंडसेट क्या है कि फ्यूचर में मैं बीमार होने वाला हूँ और उसका खर्चा मुझे मिलेगा, अच्छी बात है, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर में क्या होता है पता है, लोग सोचते हैं कि आज में क्यों खर्चा करना है। यहाँ पे माइंडसेट ये होता है कि भाई जो मुझे हेल्थ केयर में मैं ध्यान दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे आज से ही मुझे हेल्थ पे मेरे काम करना है। तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर में ज़्यादा ध्यान देता है उसका माइंडसेट ये होता है कि आज जो सपोज मैं मेरी हेल्थ पे काम करूंगा, सपोज आज मैं मेरा वेट लॉस कर रहा हूँ या फिर मैं फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, मैं मेरी जो भी दूसरी छोटी मोटी जो बीमारियां चल रही है मेरी हेल्थ रिलेटेड उसको मैं आज से कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में वैसे भी बड़ी कोई बीमारी आएगी नहीं मेरे पास। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जो सपोज़ आज ही हम सही नहीं रहेंगे तो फ्यूचर में आप, मतलब आप तैयारी किसकी कर रहे हैं पता है, इसके अंदर तैयारी करते हैं हम बड़ी चीज़ों के लिए। मतलब कि आज सपोज कल उठ के मुझे कोई हार्ट के रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो इंश्योरेंस वाला मेरे पैसे भरेगा, या फिर और कोई चीज़ आ जाए, भगवान ना करे कोई चीज़ ऐसी आ जाए उसके लिए इंश्योरेंस वाला देगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों ना जो छोटी मोटी लाइफस्टाइल की डिजीज है उसके ऊपर तो हमें आज काम करना चाहिए, उसको हम बड़ा होने दे क्यों रहे, हम उसको परमिशन क्यों दे रहे हैं कि भाई तू कल बड़ी हो जा, मेरे पास कवर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर करती क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको फ्यूचर सिक्योर कर रही है, बट हेल्थ केयर आपका आज का दिन बना रही है, आज का दिन, यहाँ पे आज आप फील कर पा रहे हैं कि मैं आज स्वस्थ हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हेल्थ केयर इसके लिए होता है कि आज के समय में आप अपना ध्यान दे पाएँ और अपने शरीर को सही कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे लोगों में बहुत सारा ये है कि, क्योंकि मेरे पास जैसे कंसल्टेंसी आती है ना, लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्यूचर की हमने ये कवर किए हुए हैं, और ये सब कस्टमर वो हैं जो मेरे पास 3-4 महीने से हैं, और जब उनकी मैं ऐसा हो जाते हैं घर जैसे रिलेशन हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे सब बातें बताते हैं। तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनका माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन जब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो वो बताते हैं सर हमारे घर में सबका हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसा है, कोई बड़ी बीमारी के लिए हम तैयार हैं। तो मुझे वहाँ पर लगा यार लोगों को मुझे ये नोटिस कराना चाहिए कि यार हेल्थ इंश्योरेंस जितना है उतना ही, क्योंकि हेल्थ आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहा है कि आज आप हेल्दी रह पाएं। और आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा कि आप किस चीज पे बिलीव करते हो, और मैं दोनों चीजों का रिस्पेक्ट करता हूं, इंश्योरेंस भी क्योंकि मैंने खुद ने लिया है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन क्या हमें हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्या आज को सही करने पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो कमेंट में डालिए, जो आप हेल्थ केयर में बिलीव करते हैं आप उसको कमेंट में लिखिए, या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस में बिलीव करते हैं उसको लिखिए, जिससे कि मुझे भी समझ में आया कि मेरी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस क्या सोचती है, और उसके हिसाब से मैं फ्यूचर में ऐसे कुछ वीडियोस बना पाऊँ। एक और जो चीज़, जो सपोज़ आप ऐसे इंसान हैं हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे आज भी मेरा दिन सही करना है, आज का समय जो है इसको भी मुझे बेटर बनाना है, मुझे हेल्थ केयर में भी अच्छा करना है, मुझे मेरा वेट लॉस सही करना है, मेरे फिटनेस अच्छी करनी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का मैंने व्हाट्सअप लिंक दिया, वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए, देखिए क्या क्या सर्विस आपको मिल सकती है। और यस, जो आप उस माइंडसेट से थोड़ा सा हटके हैं और आप सोचते हैं कि दोनों चीज़ें
जरूरी है लाइफ में। तो मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि आज को अच्छा नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में बीमार रहने के बाद या फिर कोई ऑपरेशन कराने के बाद हमारा शरीर वैसा नहीं रहने वाला जो ऊपर वाले ने हमें ये भेजा है। बोलता है ना कि शरीर हमारा मंदिर है, तो मंदिर को जो आज अच्छा नहीं रखेंगे तो कल के लिए आप रखोगे तो उससे कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं। तो मेरा मानना है कि आज अपना शरीर को अच्छे रखिए और हेल्थ केयर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ऐसे ही कुछ वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर आप जो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर। थैंक यू।